नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ अ ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर आर 220 ट्वेंटी एंड टू सिक्सटी सवाल है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम और हमारे ऑप्शन है 10, बीस तीस या फिर चालीस हर्ड्स अगेन बेसिक्स उस पर जाएगा सवाल आसान है मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो so, से फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी कोई ऑर्गन uh, पाइप uh, है जो ओपन एट वन एंड है और क्लोज एट अदर एंड इसमें अगर हम बात करेंगे मान लीजिए ये आपका हमने बनाया इत बट इट कैन बी एनी बनाया हमने यहाँ पे थर्ड हारमोनिक है बट ये एनथ हारमोनिक है तो इस केस में जब हम लिखते हैं आपकी आ, बेसिक से चालू करते हैं इसकी लेंथ को आप लिखेंगे आ, अगर आपका ये एनत्थ हारमोनिक है एनत्थ हारमोनिक तो इस केस में हम आ, इसकी लेंथ को लिखते हैं टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई लैमडा बाय फोर हालाइट ये आपके एन एथ हारमोनिक के लिए यहाँ पे आएगा और उसी को लेमडा बाय फोर को हम यहाँ वी की टर्म में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वी बाय फोर एफ़ इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो फ्रीक्वेंसी आ गई इस वाले की एन एथ हारमोनिक की सो एफ एन uh, जो आया आपका वो हो जाएगा ये आ जाएगा टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वी बाय फोर एल अच्छा आपने को ये पता है वी बाय फोर एल ये अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है विच एम्प्लाईज आप एफ एन एथ को लिख सकते हैं टू एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एफ वन ये आपकी फंडामेंटल के टर्म में एन एथ की फ्रीक्वेंसी आ गई ना अपने को इसमें एन एथ वाले की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दे रखी है टू ट्वेंटी राइट सिमिलरली आपको ये दिया हुआ एफ एन प्लस वन उससे जस्ट नेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू अपने को टू सिक्सटी दे रखी है उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस एन प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एफ वन इसकी वैल्यू अपने को टू सिक्सटी दी हुई है ये अपनी इक्वेशन वन है right, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया ट्वाइस एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एफ़ वन इसकी वैल्यू हो गई टू सिक्सटी इस वाले केस में अगर ये आपकी इक्वेशन नंबर टू हो गई अगर हम इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस कर देंगे टू uh, में से हम uh, क्या कर रहे हैं इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन माइनस किया तो इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे एफ़ वन आपका कॉमन आ जाएगा और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो अंदर बचेगा टू एन प्लस वन माइनस टू एन प्लस वन ये एफ वन से मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा टू सिक्सटी माइनस टू ट्वेंटी इसकी वैल्यू एक्चुअली फोर्टी आएगी यहाँ पे टू एन टू एन कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब हुआ ट्वाइस एफ़ वन विल भी इक्वल टू फोर्टी विच एम्प्लाइज आपकी फ़ंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई 20 हर्ट्स तो ये आपकी फ़ंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई 20 हर्ट्स सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्स इज़ द राइट आंसर